Hello everyone, my name is Kashika. Welcome back to my channel and today is the last video of August 2021. Can you imagine? 4 महीने में ये साल खत्म, मतलब कहाँ जा रहा है टाइम, मुझे पता ही नहीं चल रहा. कंटेंट बनाते जाओ, अपने ऑडियंस को अच्छा अच्छा प्यार देते जाओ और टाइम इतनी जल्दी निकल जाता है ना, पता नहीं चलता. अभी मेरी आवाज़ वैसे थोड़ी सी ठीक नहीं हुई तो इग्नोर करना अगर बीच बीच में आपको खराश वाली आवाज़ आए तो. सो आज जो वीडियो होने वाली है अगेन हॉल सॉर्ट ऑफ वीडियो स्लैश रिव्यू एज वेल. सो क्या है ना, मैंने मीशो पर सारी कैटेगरीज तो एक्सप्लोर करी दी है, वेस्टर्न, इंडियन, वेस्टर्न टॉप्स, वेस्टर्न ड्रेसेस लास्ट वीक भी मैंने बनाई थी. आप मेरी पूरी मीशो की प्लेलिस्ट जाकर देखना, आपको सारी वैरायटी देखने को मिल जाएगी. सो इस बार मैंने सोचा थोड़ा चैलेंज सॉर्ट ऑफ एक वीडियो करती हूँ. सो इस बार मैंने अपने आपको चैलेंज दिया बाइंग ओनली कॉम्बो स्लैश सेट्स चैलेंज. मतलब मुझे हर कैटेगरी में से एक एक चीज़ पिकअप करनी है और वो सिंगल चीज़ नहीं होगी, वो या तो सेट में होगी या फिर कॉम्बो में होगी. और मैंने सारी कैटेगरीज इस बार एक्सप्लोर करी है, क्लोथिंग आइटम में भी, आप लॉन्जरी भी, आप वेस्टर्न वेयर, स्लीप वेयर. मैंने एथनिक नहीं एक्सप्लोर किया बिकॉज मैंने एथनिक ऑलरेडी कॉम्बो वाली कुर्तीज बहुत ज़्यादा आपके लिए वीडियो बनाती थी. So, वो पार्ट मैंने एक्सप्लोर नहीं किया. ऑल्सो अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है मीशो क्या है, मीशो इज इंडियाज फेवरेट ऐप टू बाय टॉप क्वालिटी क्लोथ्स एट लोएस्ट प्राइस एवर. लिटरली ये डायरेक्टली वेंडर से आते हैं, मतलब जो सेलर्स होते हैं वहां से आप कपड़े डायरेक्ट ऑर्डर करते हो ना, तो आपको इतने सस्ते प्राइस में मिलते हैं. मैं अभी आपको बहुत सारी चीजें दिखाने वाली हूँ जो मैंने बाकी वेबसाइट्स पर ट्रिपल रेट पर देखी है. सो नो डाउट मीशो पर जो कपड़ों के रेट है वो काफी ज्यादा सस्ते हैं. एंड नॉट जस्ट बाय, आप इसको रीसेल भी कर सकते हो. मीशो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप रीसेलिंग भी कर सकते हो अपने नेटवर्क के अंदर. सो आप अर्न भी कर सकते हो, शॉप भी कर सकते हो, वेरी इजी. अगर आपने अभी तक ऐप एक्सप्लोर नहीं करी है, मैं नीचे लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इस लिंक के थ्रू अगर आप इंस्टॉल करोगे आपको अपने फर्स्ट ऑर्डर पर या तो 100 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा या फिर फ्लैट 30% ऑफ आपको मिल जाएगा. सो मेक श्योर यू डाउनलोड वी आर दिस लिंक ओनली. एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. रुको, पहले वापस आओ, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे हिट करो एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टार्टिंग विद नाइटवेयर कैटेगरी, मीशो पर काफी सारे कॉमन वाले नाइटवेयर सेट थे, मतलब जो यूजुअल पजामा टी शर्ट वाले मिलते हैं. एंड एज ए सेट मुझे कुछ ना कुछ ट्रेंडी और हटके निकालना था. सो जब मुझे दिखा वाज लाइक दिस इज इट, ये ट्रेंडी भी है और ये सुंदर भी लगने वाला है. मुझे इमेजेस से ही काफी अच्छा लग रहा था. सो वो है ये सुपर ट्रेंडी टाई एंड डाई प्रिंट का सेट. बेसिकली इसके साथ आपको मिलता है कॉटन का क्रॉप टॉप. एंड ये नाइटवेयर सेट, इसको मैं कह रही हूँ बिकॉज के साथ ये कैजुअल शॉर्ट्स आती है, बट आप इस क्रॉप टॉप को इजिली बाहर पहन सकते हो विद योर डेनिम्स एंड ऑल्सो. डेफिनेटली काफी वर्सेटाइल सेट है. सो क्रॉप टॉप है कुछ इस तरह से. मैंने मीडियम साइज लिया बाय द वे बिकॉज मुझे थोड़ा सा कम्फी वाली फील चाहिए थी. ऑल दो मुझे स्मॉल भी आ जाता, लेकिन ये जो ट्रेंड होता है ना ये वाले टाई एंड डाई प्रिंट की टी का, थोड़ा सा लूज हो तो अच्छा लगता है, लेकिन मुझे इतना भी लूज नहीं है, विच इज अ गुड थिंग. मुझे शोल्डर लेंथ एकदम परफेक्ट आ रही है. सो अगर आपकी मेरी जैसी बॉय टाइप है तो मीडियम इज जस्ट परफेक्ट फॉर यू. सो ये लैवेंडर कलर का क्रॉप टॉप और इसके साथ आपको मिलती है सुपर कम्फी शॉर्ट्स. बाय द वे मैंने पहन लिया है, मैं कल ही कहीं स्टेकेशन के लिए गई थी और मैं लेके चली गई थी बिकॉज परसों तरसों रिसीव हुआ था ये. सो मेरे पास कुछ नाइट वेयर में था नहीं, सो मैंने फटाफट ये रख लिया एंड आई वोर इट, आई लव्ड इट. सो मैं आपको आफ्टर वेयरिंग रिव्यू भी दे रही हूँ. सो ये जो शॉर्ट्स है कुछ इस तरह से दिखती है एंड आई डोंट थिंक सो यू आर रेडी फॉर इट बिकॉज लड़कियों के कपड़ों में ये इतना रेयर होता है ना, बट ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, विच इज पॉकेट्स. एंड लेट मी टेल यू, पॉकेट्स भी ऐसी वैसी नहीं है, प्रॉपर डीप आपको पॉकेट मिल रही है. मतलब आप बड़े से बड़ा इसके अंदर फोन रख सकते हो, वॉलेट, सामान, बेसिक कुछ भी रख सकते हो. सो उस हिसाब से मुझे काफ़ी प्रैक्टिकल और एकदम परफेक्ट लगी नाइट वेयर है, लेकिन स्टिल आप शॉर्ट्स में आपको पॉकेट मिल रही है यार, और क्या चाहिए. सो इसका प्राइस है 509 रुपीज़ और ये मुझे मिली है कॉटन मटेरियल में, काफ़ी अच्छा कम्फी मटेरियल है. रीगो ये ब्रांड है, सेम ब्रांड सेम सेट मैंने आजियो पर देखा फॉर ट्रिपल प्राइस. ट्रिपल ही बोलोगे, ऑलमोस्ट डबल बोल सकते हो. लाइक 509 का मुझे मीशो से मिला है, आजियो पर ये 850 प्लस समथिंग का मिल रहा था. सो डेफिनेटली मीशो पर मैं इसको कह सकती हूँ सबसे सस्ता ये मिल रहा है. इस कैटेगरी हमारी लोअर की, और लोअर के अंदर मीशो पर अगेन वो जेगिंग्स जीन्स मिल रही थी जो मैं पर्सनली इतना नहीं पहनती हूँ. वो चेक चेक वाली जेगिंग थी, किसी पर कुछ अजीब सा डिजाइन बना हुआ था. सो वो मुझे इतना पसंद नहीं आया. सो मुझे फाइनली दिखे ये प्लाजो, मुझे काफ़ी अच्छे लगे. ये एथनिक, इंडियन, वेस्टर्न दोनों फॉर्म में आप इजिली काफ़ी वर्सेटाइल वे में आप इसको पहन सकते हो. सो ये पॉलिएस्टर मटेरियल के सेट ऑफ टू प्लाजो पैंट्स है. बेसिकली अगेन आप इसको सिंगल नहीं ले सकते, ये जो सेलर है सेट ऑफ टू ही सेल कर रहे थे. सो उसमें मैंने पिकअप किया है ये वाला कलर. सबसे पहले उसके अंदर ग्रीन मिलता है जो कुछ इस तरह से दिखता है, क्रिम क्रिम सॉर्ट ऑफ, इस पे ऐसा डिजाइन बना हुआ है लाइक जैसे क्रिम्ड होता है. ये मैंने बाय द वे सरोजिनी नगर नॉर्मल मार्केट में भी देखे और उसमें भी सेम ही रेट था बिकॉज अगर आप दो सेट को डिवाइड करोगे रेट वाइज तो उतने का ही पड़ना है. सो आई वुड डेफिनेटली से कि मीशो पर भी आपको ऑलमोस्ट जो लोकल मार्केट्स होती हैं उसी रेट पर चीजें मिल रही हैं. मैंने इसमें साइज पिकअप किया है 28 वेस्ट, वेरी वेरी कंफर्टेबल. द ओनली कॉन इज ये ट्रांसपेरेंट है, मैं इसको प्रॉपर अच्छा मोटा मटेरियल का नहीं बोलूंगी, यू कैन सी राइट हियर.
These are proper transparent. अब इसका dark color है तो हल्का फुल्का transparent हो तो चल जाता है, लेकिन इसका light color है so इसमें कुछ देखना पड़ेगा. But I can definitely say ये वाले जो cream material के plazo pants होते हैं ना, ये कुर्तियों के साथ काफ़ी अच्छे लगते हैं. So अगर आप ऐसे solid दो तीन plazo pants ले लो और आप regular अपनी कोई भी कुर्ती ले लो, आप pair up करोगे ना, तो आपका एक proper एक कुर्ती set बन जाता है. Plus आप इसको एज अ पजामा की तरह घर पर पहन सकते हो, western tops के साथ tuck करके पहन सकते हो. So overall very 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 versatile. इसके अंदर काफ़ी सारे कलर कॉम्बिनेशन अवेलेबल थे बाय द वे. ये मुझे पड़ा है 439 रुपीज का, मैंने साइज पिकअप किया है 28. लोअर से आ जाते हैं टॉप कैटेगरी के ऊपर, और वेस्टर्न कैटेगरी में मीशो पर जब मैं कॉम्बो सेट्स ढूंढ रही थी ना, तो वही रेगुलर वाली टीज मिल रही थी, हेलो ब्यूटीफुल, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था, वो मुझे इतनी ना मजेदार नहीं लगती और मैं पर्सनली इतनी पहनती नहीं हूँ. सो अगेन बाइंग समथिंग जिसको मैं जस्टिफाई नहीं कर सकती, मैंने वो लिया ही नहीं. फिर मैंने और डिग इन किया मीशो ऐप पर कि कुछ ना कुछ मुझे कॉम्बो सेट में ना वेस्टर्न में कुछ हटके सा दिख जाए, और फाइनली मुझे ये सेलर दिखा जो सब कुछ कॉम्बो सेट्स में देता है. इनके पास सारे जो टॉप्स थे ना वो कॉम्बो में ही अवेलेबल थे, और उसमें से मैंने चूज किया ये सेट ऑफ 3 सैटन के सेट्स. एंड लेट मी टेल यू, वाले सैटन क्रॉप टॉप्स आर एवरीवेयर. आप रील्स को लोगे ना, आप इंस्टाग्राम पर, आप इंटरनेशनल इंडियन इन्फ्लुएंसर्स को देखोगे ये ऐसे वाले सैटन टॉप्स पहनते हुए. सबसे एक बार मीशो से इसकी फर्स्ट कॉपी लेके देखते हैं कैसा आएगा. सो इस सेलर ने ना साइज चार्ट लिखा ही नहीं हुआ था. कुछ कुछ सेलर नीचे साइज चार्ट लिखते ही नहीं है कि चेस्ट साइज वेस्ट साइज क्या होगा, खाली एस एम एल का ऑप्शन था, तो मैंने एस साइज पिकअप कर लिया. बिकॉज क्रॉप टॉप में मीडियम मुझे काफी ज्यादा लूज आता है, और जब ये आए आई वाज सो एक्साइटेड बिकॉज इतने सुंदर ये दिख रहे हैं, लाइक लुक एट द कलर्स, इतने प्रिटी इसके कलर्स हैं. बट जैसे मैंने ट्राई किया मेरा पोपट हो गया, ये काफी ज्यादा लूज है. इस पूरे टॉप का आप अगर आप अभी ट्राई ऑन देखोगे ना, वो जो ग्रेस नहीं आ रही है वो इसलिए नहीं आ रही बिकॉज ये लूज है. अगर इसकी मैं फिटिंग करा लूंगी ना तो ये काफी प्रिटी लगने वाले हैं. एंड अनदर थिंग इज ये हल्के से ट्रांजी है, ये प्रॉपर लाइनिंग वाला मोटा मटेरियल नहीं है, ये एकदम सिंगल लेयर साटन मटेरियल के क्रॉप टॉप बने हुए हैं. सो अगर आपको नीचे लॉन्जरी प्रॉपर कवर्ड वाली पहननी है तो आप पहन सकते हो. सो मैंने इस कॉम्बो सेट में पिकअप किया ये वाला शेड रेंज. सबसे पहले इसमें मिलता है व्हाइट कलर का क्रॉप टॉप जो कुछ इस तरह से दिखता है, देन वी हैव अ ब्लैक कलर का क्रॉप टॉप जो कुछ दिखता है इसी तरह से. सो व्हाइट और ब्लैक जो है ना वो एग्जैक्टली सेम है, मतलब ये पीछे आपको यहाँ पर इलास्टिक मिल रही है. सो इससे फिटिंग और अच्छी आनी चाहिए थी, लेकिन ये ऑलरेडी मुझे यहाँ से इतने लूज हैं तो फिटिंग का तो कोई सवाल ही नहीं होता. और उसमें से जो थर्ड कलर है वो है रोज गोल्ड सॉर्ट ऑफ कलर, बहुत प्रिटी कलर लगा मुझे. इन तीनों टॉप में सबसे सुंदर जो मुझे कलर लगाना वो ये लगा, लाइक स्क्रीन पर भी इतना प्रिटी लग रहा है, रोज गोल्ड टैन सॉर्ट ऑफ एक कलर है. ये वाला डेफिनेटली डिफरेंट है बिकॉज इसमें उन्होंने पीछे वो इलास्टिक नहीं दी हुई, यहाँ पे वो स्ट्रेच वाली इलास्टिक नहीं है. अब अगर आप इसको पहनोगे तो आपको पहनने में प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज चीज स्ट्रेच नहीं होगी पहनते हुए. सो इस वाले में उन्होंने साइड में जिप दिया हुआ है, यहाँ पर आपको जिप मिलती है, आप जिप खोलोगे आप इजिली इसको पहन सकते हो. आप अगर मेरे से भी थोड़ा सा और हेल्दी हो ना तो मैं आपको एडवाइस करूंगी आप स्मॉल ही लेना, बिकॉज स्मॉल में भी ना यहाँ पे मार्जिन दी हुई है. सो अगर आपको लगता है लाइक टाइट आ रही है तो आप खुलवा भी सकते हो, अगर आपको लगता है ढीली आ रही है तो आप फिटिंग करा सकते हो. सो स्मॉल सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है, मैं डेफिनेटली इनकी फिटिंग कराने वाली हूँ. और ये क्रॉप टॉप मैंने उसी आइडिया से लिया है कि मैं इनको साड़ीज के साथ भी पहन सकती हूँ, आजकल साटन साड़ीज का काफी फैशन चल रहा है. ऑल्सी वाले सेलर काफी अच्छे कॉम्बो सेट्स दे रहे हैं, वही प्रोडक्ट कोड अगर टाइप करोगे ना आपको उनके नीचे काफी सारे ऑप्शन दिखेंगे अलग अलग कॉम्बो सेट वाले. सो आप कोई भी पिकअप कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको ये वाला तीन का कलर कॉम्बिनेशन लेना है, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. नाउ कमिंग टू वेस्टर्न ड्रेस कैटेगरी, वैसे तो मैंने रिसेंटली मीशो की वेस्टर्न ड्रेसेस का हॉल बनाया है, उसके अंदर मैंने आपको सिंगल पीस वेस्टर्न ड्रेसेस दिखाई है मीशो से, काफी अमेजिंग उसके अंदर ऑप्शन थे तो वो आप जाकर जरूर देखना. लेकिन इस वीडियो के लिए मुझे कुछ चाहिए था जो सेट फॉर्म में आता हो या फिर कुछ कॉम्बो फॉर्म में आता हो. सो कॉम्बो वाले मुझे इतने मजेदार लगे, वो ड्रेसेस बड़ी क्लीशे सी ड्रेसेस थी. ये वाला सेट मुझे काफी अच्छा लगा, एकदम बीची वाइब से दे रहा है, इसको देख के मुझे एकदम फील आ गई थी कि मुझे कहीं गोवा सॉर्ट ऑफ जाना चाहिए इसको पहनकर. सो सबसे पहले आता है उसके अंदर एक क्रॉप टॉप, ऑफ शोल्डर का क्रॉप टॉप है, कुछ इस तरह से दिखता है, नीचे भी इलास्टिक है ऊपर भी इलास्टिक है. तो ओनली कौन है, इलास्टिक इतनी टाइट है ना, अगर आप इसको ऑफ शोल्डर करोगे भी ना और हाथ ऊपर कर लोगे तो ये वापस अपनी पोजिशन पे चला जाएगा, ये प्रॉपर आपको ऑफ शोल्डर वाली फील नहीं देने वाला. प्रॉपर यहाँ पे हाथ डालने का भी ऑप्शन है, लेकिन ये ऑफ शोल्डर वे में टिकता नहीं है, सो आपको ऐसे ही रखना पड़ता है. बाय डिफॉल्ट फोटोज खींचने के लिए आप इसको नीचे कर सकते हो. और उसके साथ मिलती है आपको ये स्कर्ट सॉर्ट ऑफ थिंग जो पूरी फुल लेंथ जाती है, एकदम मैक्सी ड्रेस की फील देती है, लेकिन यहाँ पर आपको एक काफी सेक्सी स्लिट मिल जाती है कुछ इस तरह से. ये स्लिट है बाय द वे हाई हाई स्लिट है, काफी हाई वे में जाती है. अगर आप पैर काफी चौड़ा करके चलोगे, थोड़े लंबे स्टेप्स रखोगे ना तो स्लिट थोड़ी सी ऊपर की तरफ जाती है, सो आप देख सकते हो. इसलिए मैंने बोला एकदम बीच के लिए मुझे परफेक्ट लगी. अगर आप बीच पे कुछ ना कुछ स्विम वेयर कुछ भी पहनते हो तो डेफिनेटली आप नीचे इसको पहन सकते हो, एंड देन यू कैन रिमूव इट फॉर योर स्विमिंग एक्सपीरियंस. सो मुझे उस वे में काफी अच्छी लगी बिकॉज ये जो मटेरियल होता है ना, ये स्विमिंग के सेंस में भी ठीक रहता है, जल्दी ड्राई आउट हो जाता है. बाय द वे पॉलिएस्टर नहीं है, ये क्रेप मटेरियल की ड्रेस है. नाउ कमिंग टू लॉन्जरी कैटेगरी, एक तो मुझे इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट आती है ना कि मीशो की लॉन्जरी कैटेगरी
एक्सप्लोर करो, हॉल बनाओ, रिव्यू दो. सो इससे मुझे लगा जब मैं ये चैलेंज कर रही हूँ एक लॉन्ड्री कैटेगरी भी एक्सप्लोर कर लेती हूँ. सो जब मैं गई मीशो के लॉन्ड्री ऑप्शन में, मैंने काफ़ी सारे कॉम्बो सेट ऑफ टू ढूंढे और उसमें से मुझे सबसे डिफरेंट ये लगा. रेगुलर वाली ब्रास तो आपको ईजिली मिल ही रही है, लेकिन मेरे पास वो थी तो मैंने वो एक्सप्लोर नहीं करी. मुझे हाउएवर ये वाला स्टाइल की ब्रा काफ़ी टाइम से चाहिए थी. आई वुड कॉल इट स्पेगेटी स्लैश ब्रा यू कैन से. सो इनका नाम होता है बैंडो ब्रा, बिकॉज ये ऐसी स्ट्रैपलेस फॉर्म में आती है. बाय द वे आप इनको ऐसे करके पहन सकते हो. काफ़ी बार जब हम नूडल स्ट्रैप की ड्रेस पहनते हैं, कोई भी ड्रेस होती है थोड़ी सी डीप जाती है, हमें कॉन्शियस फील होता है और उसके नीचे समझ नहीं आता क्या पहने. अगर नॉर्मल स्पेगेटी पहन लो ना तो वो ड्रेस की ग्रेस खराब हो जाती है. सो ऐसी लेस नेट सॉर्ट ऑफ जो ब्राज होती है ना, ये काफ़ी प्रिटी लगती है. अब इसमें गड़बड़ क्या हो गई, मैंने ये कलर ऑर्डर नहीं किया. मैंने जो सेट ऑफ टू का कलर ऑर्डर किया था उसमें मेरी ऐप पर भी यही दिखा रहा है. ब्लैक कलर मैंने एक ऑर्डर किया था बिकॉज ब्लैक सबके साथ जाता है. और एक स्किन कलर मैंने ऑर्डर किया था, स्किन ये वाला कलर भी नहीं था, बिल्कुल लाइट जैसे स्किन टोन का कलर होता ना. मैं यहाँ पे इमेज इंसर्ट करूँगी मैंने क्या ऑर्डर किया था और मुझे रिसीव हुए वाइट और ये टैन सॉर्ट ऑफ कलर. सो इसमें मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो गई. बाय द वे मीशो की रिटर्न एक्सचेंज पॉलिसी होती है 7 days की. विद इन 7 days आप इजीली रिटर्न एक्सचेंज करा सकते हो, लेकिन मैं उस टाइम इतनी ज़्यादा बिजी थी ना, राखी फेस्टिवल्स, फ्रेंड्स फैमिली में बहुत सारे फंक्शन आ रहे हैं. सो मैं सुपर बिजी थी, मैं भूल गई इसको पार्सल को रख के. सो मेरे 7 days निकल गए थे. सो मैं इसको एक्सचेंज रिटर्न नहीं करा पाई. सो मुझे इसको रखना ही पड़ेगा, बट आई थिंक ये वाले कलर चल जाएंगे. मैं नेक्स्ट टाइम ब्लैक भी ऑर्डर कर दूंगी. सो बैंडू ब्रा जो है वो कुछ इस तरह से दिखती है. इनमें कुछ भी नीचे सपोर्ट नहीं है. सो अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी चेस्टेड हो, आई रियली कांट गारंटी कि आपको सपोर्ट देगी नहीं देगी. दोनों ब्रा के साथ सेपरेटली आपको ये पैकेट्स मिले हैं बाय द वे, जो कुछ इस तरह से दिखते हैं. ये ट्रांसपेरेंट इन्होंने स्ट्रैप भी दी है. सो इसी ब्रा को आप विदाउट स्ट्रैप विद स्ट्रैप इजीली पहन सकते हो. अगर आपको लगता है कि होल्ड इतना अच्छा नहीं आ रहा तो आप स्ट्रैप पहन के भी इसको एक होल्ड दे सकते हो. ओवरऑल पूरी नेट की यहाँ पे लेस पैटर्न जा रहा है, कुछ इस तरह से दिखता है. जो फ्रंट का वीनेक होगा ना वो कुछ इस तरह से दिखेगा. सो इजीली आप जो भी ड्रेस पहनोगे ये थोड़ा अच्छा उसको एक विजिबिलिटी देगा. व्हाइट कलर दिखता है कुछ इस तरह से. सो या बोथ ऑफ देम आर लाइक वर्सेटाइल कलर, चल जाते हैं. बट मुझे लगता है मुझे ब्लैक की भी नीड है बिकॉज मेरे मेजर आउटफिट्स के साथ ब्लैक ज़्यादा जाता है. सो ये मुझे पड़े हैं 246 rupees के, सुपर अफोर्डेबल फ्रॉम दिस हॉल. और इसके अंदर काफ़ी सारे कलर कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं. एंड द लास्ट कॉम्बो ऑफ दिस पर्टिकुलर चैलेंज इज अगेन फ्रॉम लॉन्ड्री कैटेगरी, मतलब इन अ वे में ही आता है तो आप उसी में कंसिडर कर सकते हो. वो है ये शॉर्ट्स के सेट. अगेन वेरी 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 एसेंशियल फॉर एवरी गर्ल. इसको देखते ही मुझे अपने स्कूल टाइम की याद आ गई थी, बिकॉज जब स्कूल जाते थे तो हमारे मैंडेटरी होता था शॉर्ट्स पहनना स्कर्ट्स के नीचे. सो कभी स्किन कलर की पहन लेते थे, वाइट के नीचे वाइट कलर की स्कर्ट होती थी तो वाइट पहन लेते थे. ब्लू कलर की मेरी एक स्कर्ट होती थी तो मैं ब्लैक कलर की शॉर्ट्स पहनती थी. बाय द वे ये कॉटन लाइक्रा मटेरियल की स्कर्ट शॉर्ट्स है और इसका मटेरियल काफ़ी अच्छा है. लाइक आई लव द मटेरियल, बिल्कुल भी ये पतला लोअर क्वालिटी का मटेरियल नहीं है, काफ़ी अच्छा इसका मटेरियल है. द ओनली थिंग इज नीचे से तो मुझे ठीक आ रही है, खाली ये जो स्टमक कह रही है ना वहाँ से हल्की हल्की लूज आ रही है. मतलब ये जो साइकिलिंग शॉर्ट्स होती है ना जो सिंथेटिक मटेरियल की होती है, आप वो मत एक्सपेक्ट करना, वो वाली फिट आपको नहीं देगा. ये कॉटन लाइक्रा है तो हल्का सा आपको ऊपर एरिया में थोड़ा सा लूज आ सकता है. अगेन जो सेलर है काफ़ी सारे कॉम्बो सेल कर रहे थे कलर वाले, मैंने ये वाला कलर कॉम्बिनेशन मंगवाया और मुझे यही रिसीव हुआ है, एकदम परफेक्ट मुझे रिसीव हुआ है. एक मैंने मंगवाया ये स्किन सॉर्ट ऑफ ए कलर, देन एक वाइट कलर और ये ब्लैक कलर. तो ये मुझे पड़ी है 374 rupees की फॉर पैक ऑफ 3. सो अगर आप 374 को 3 से डिवाइड कर दोगे, एक शॉर्ट्स का जो अमाउंट होगा वो काफ़ी सही है. बिकॉज मेरे टाइम पे भी 7-8 साल पहले जब मैं स्कूल जाती थी इतने ही प्राइस की शॉर्ट्स पड़ती थी. मटेरियल इसका काफ़ी अच्छा थिक मटेरियल है, सो आई थिंक ये लंबी भी चलने वाली है. सो प्राइस पॉइंट के हिसाब से मुझे काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल लगी. कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी सारे दे रहे हैं सेलर, लाइक मरून ब्लैक स्किन, रेड ब्लैक स्किन, एक पर्पल ब्लैक स्किन का कॉम्बिनेशन है, ग्रीन ब्लैक, ऑरेंज, येलो. अगर आपको स्पेसिफिक ड्रेस के नीचे के लिए भी शॉर्ट्स देख रहे हो ना तो आप इस सेलर की ये ऑप्शन देख सकते हो. प्रोडक्ट कोड मैं नीचे दे दूंगी. इसका मटेरियल है कॉटन लाइक्रा बाय द वे, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था. साइजेस इनके अवेलेबल है, मैंने पिकअप किया 28 साइज और मुझे कमर से एकदम ठीक आ रहा है, लेकिन वो पेट के एरिया पे हल्का हल्का लाइक जो डिज़ाइन है ना इसका वो थोड़ा थोड़ा लूज आ रहा है. सो आई एम रियली नॉट श्योर इसमें फ्री साइज और अगर वेस्ट साइज में लोगे तो क्या फर्क होगा. एंड दैट इज इट फॉर माई मीशो हॉल स्लैश चैलेंज सॉर्ट ऑफ वीडियो. आई होप ये चैलेंज देखने में आपको थोड़ा बहुत मजा आया होगा. मैंने पूरी कोशिश करी है कॉम्बोज के अंदर भी कुछ ना कुछ हट के और डिफरेंट पिकअप करने की. जो आपको यूजुअल मीशो पर दिखता है मैंने वो सब नहीं लिया, बट डिफरेंट मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आती हूँ. और मेरी प्रीवियस वीडियोस भी आप जाकर देख सकते हो, मैंने मीशो पर हर एक कैटेगरी एक्सप्लोर करी हुई है. मैं प्लेलिस्ट नीचे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर देख सकते हो, कोई भी वीडियो रेफर कर सकते हो अगर आपको कुछ भी कैटेगरी में से कुछ भी पिकअप करना हो. इन सबके प्रोडक्ट कोड्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, लिंक भी मिल जाएगा ऐप का. मीशो आपको देता है कैश ऑन डिलीवरी, फ्री डिलीवरी, ऑनलाइन पेमेंट भी अवेलेबल है, ईजी 7 day का
रिटर्न एक्सचेंज होता है बाय द वे, सो आप इजीली शॉप भी कर सकते हो, रिटर्न एक्सचेंज होगा तो वो भी करा सकते हो, रीसेलिंग भी आप इजीली कर सकते हो. ये प्लेटफॉर्म बना ही रीसेलिंग पर्पज से है. सो अगर आपको इसमें से कुछ भी एकदम सुपर सस्ता लग रहा है और आप थोड़ा बहुत मार्जिन लगा के आगे बेचना चाहते हो तो आप रीसेलिंग भी कर सकते हो. उस वे में भी काफी अमेजिंग ये ऐप है, सो ऐप जरूर जाके चेकआउट करना. एंड दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर अपडेट्स. जो भी स्टाइलिंग एंड ऑल होती है ना वो मैं आपको इंस्टाग्राम पर करके दिखाती हूँ, सो उसके लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना पड़ेगा. एंड दैट इज इट, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. Bye.